आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक नया वो खोल रहे हैं, मतलब सेगमेंट टाइप्स ऑफ वेलकम टू आरम्स कुकिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मदर स्पेशलिटी कैसे बनाते हैं। चाहे मम्मा का मूड खराब हो या फिर वो एकदम लो एनर्जी हो, अथवा मत खराब हो, अगर आप उनको ये बना के मतलब पिला दोगे ना, मैं आपको बेड ला के बोल रहा हूँ, इतनी एनर्जेटिक हो जाएगी ना उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि मेरी मम्मा का मूड थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा वो है, ठीक है। तो अभी हम उसको ठीक करने के लिए उनके लिए चाय बनाते हैं। ओके, तो मम्मा को, मेरी मम्मा को डायबिटीज है, तो मैं उनके लिए शुगर फ्री यूज़ करता हूँ। ये देखो शुगर फ्री, ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ। हमने मिल्क भी ले लिया है अभी बार, और बस हम साथ साथ में अपनी चाय भी बना ही लेते हैं। क्या होता है ना, एक मिनट आई, मैं पानी भर रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये देखो क्वांटिटी डिपेंड करती है वाटर की कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है, डिपेंड करती है कि किस किस को पीना है, किस किस को नहीं पीना। आ जाओ, तो अब हम गैस ऑन करते हैं। आ जाइए, पहले ना मुझे गैस से बहुत डर लगता था कि ओ गॉड गैस कैसे ऑन करूं, अब इट्स दैट इजी। ओके, ठीक है, गैस को ऑन कर लेते हैं, स्लोली हाई पे रखते हैं। ओके, तक अब हम चाय का वेट करेंगे। ये एक तरीके से ट्यूटोरियल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब हम चाय का वेट करेंगे। चाय ऐसे थोड़ी देर, जैसे ही आपको दिखेगी ना कि चाय उबल रही है, आप लोग मतलब फिर वो कर सकते हो, मतलब समझ जाओ कि नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हो। ओके एवरीवन, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तक उबलना शुरू करेगी, उसके बाद तब तक मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। इलायची, हम इलायची यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन हमें डिपेंड करता है, मतलब चाय अगर एक करने के लिए तो हम एक ही डालेंगे, अगर आपको मतलब चाय, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मतलब मेरे हिसाब से मैं एक बनने के लिए जब चाय बनती है तो मैं एक ही डालता हूँ। अभी मैं टू डालूंगा क्योंकि मम्मा और मेरी बन रही है, ठीक है। आप लोग इलायची भी यूज़ कर सकते हो, वो भी क्या कहते हैं, मुझे नाम भूल गया, अदरक, यस आप अदरक भी यूज़ कर सकते हो। और से हम इसको वो करेंगे ठक ठक ठक, एक इलायची भी, दूसरी इलायची डालें। क्लोई भी आई हुई है, हम दोनों को मेरी अम्मा का मूड ठीक करना है। चलो, रिमेम्बर अपना जो हाथ है ना उसको बाहर रखना होता है, ओके, ताकि आपको लगे ना, मतलब ये कैसे अंदर को तो लग जाएगी। ओके, वो भी उबलना शुरू हो गया है। जो अंदर की सीड्स होते हैं ना उनको हमें ऐसे बाहर निकालना होता है, उससे चाय और अच्छी हो जाती है। ऐसे तोड़ के ऐसे बाहर निकालना होता है, ठीक है, ऐसे मतलब अंदर से उसको तोड़ देना होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये है, ठीक है। चलिए कैमरा को ऊपर एडजस्ट कर लूँ। ओके, चलिए तो हो गया ये। अब ये पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, हम देखो ये जो है इसको हम, ठीक है, इसमें डाल देंगे बस। अब थोड़ा इसको और बॉयल होने देंगे, जैसे आप देख सकते हैं बॉयल हो रही है अभी, रोटी हमारी बॉयल हो रही है। अब इसको थोड़ा सा और बॉयल होने देंगे हम, ताकि चाय का जो मतलब जो इलायची का वो है ना, इलायची का पूरी टेस्ट वो इसमें एकदम मिक्स हो जाता है, घुल जाते हैं। तब तक आपको एक बार चीज़ बताता हूँ, मिल्क निकाल लेना है हमें अभी, क्योंकि अभी मिल्क भी काम आएगा, ठीक है, मिल्क है। और उससे पहले, मिल्क से पहले, ये चाय पत्ती थोड़ी सी कम है अभी, ये जो चाय पत्ती है ना देख सकते हो, चाय पत्ती, अब उसको पहले दो, एक दो मिनट हम बॉयल होने देंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये बॉयल होगी उसमें हम चाय पत्ती डाल देंगे। ओके, वेट करते हैं हम उसका ठीक से बॉयल होने का। ओके एवरीवन, तो हमारी चाय अच्छी खासी बॉयल हो चुकी है, उसके अंदर जो मतलब वो है ना इलायची वो अच्छी खासी घुल चुकी है। अब ये आता है मेन चीज़, इससे पूरे चाय का टेस्ट डिपेंड करता है, ठीक है। आपको फुल एक ऐसा ले लेना है, फुल एक एक फुल, ठीक है, एक फुल हम चाय में डाल देंगे। चाय ऐसी होगी, डरना नहीं बिल्कुल भी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरे वाला का रहेगा ना वो इतना हाफ रहेगा,
ये ऊपर तक इसलिए आ रखा है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा पाउडर भी है, ऐसे इतना हाफ रहेगा वो। ओके, हाफ इसमें और डाल बस, इससे ज्यादा नहीं मेरे हिसाब से। मतलब ये आप लोग के टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको शाम पीने का शाम पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर नॉर्मली अच्छा लगता है। मेरे को नॉर्मल अच्छा लगता है तो मैंने 1.5 स्पून डाल दिया। अगर मैं इसको वापस रख दूँ, एक और चीज़ मैंने अपने लिए निकाली है, शुगर फ्री ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है और ये शुगर फ्री। तो अभी चलते हैं, अब ये जो मैं वापस रख देते हैं क्योंकि इसका टाइम खत्म हो गया। इतना मतलब हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है चाय बनाना, बहुत ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये ऐसी हो गई है, ठीक है। चाय जब ऐसे वैसे उबलने शुरू हो जाए ना, समझ जाओ मिल्क डालने का टाइम आ गया। ओके, तो ये हम मिल्क ले लेंगे, तो मैं दिखा नहीं पा रहा, रुको देख लीजिए, ये हम मिल्क ले लेंगे, ये मिल्क ले लिया हम लोगों ने। अब ये मिल्क को ना थोड़ा सा करके डालेंगे, चाय का पूरा कलर देखो अब चेंज होगा। अब ये हो गया, मिल्क का काम खत्म। अब आता है एक और चीज, अब आप लोग देखना, अब 1-2 मिनट्स तक ना मतलब ये चाय ऐसी रहेगी एकदम नॉर्मल सी, कुछ भी नहीं होना होगा, लेकिन चाय को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। देख लीजिए अब चाय का ना, देखो दिखाता हूँ आपको, चाय में ना कुछ ऐसे कॉर्नर्स में देखो वो ऐसे ऐसे उबल रहा है। अब वो चाय को मतलब ये ऊपर आएगी, अब मुझे पता नहीं होता क्या है वो ऊपर आती है तब, ठीक है। तो अभी चाय ऊपर आएगी, तो गैस है ना अभी एकदम फुल हाई पे, हम इसको लो कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर चाय एकदम नीचे चल जाए। अभी लो नहीं करेंगे, जब चाय ऊपर आएगी तब लो करेंगे। लाने वाली है चाय ऊपर, क्योंकि इसका ना अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी लिटरली ऊपर आती है। एक बार तो मैं दूसरे रूम में था, पता क्या हुआ, मैं ऐसे मां से बात कर रहा है, चाय ऊपर आ गई, आवाज आई, मुझे ये कैसी आवाज है, मैं दौड़ के आया एंड लकीली मैंने बचा लिया। अब बिलीव नहीं करो, मैं आइए क्लोई आप भी आ जाइए, चाय हो रही है ऊपर, ठीक है, ऐसी होती है और हम इसको लो गैस करते हैं, ऐसे नीचे दे जाइए, ठीक है। अब ऐसे आपको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ऐसे 3 बार रिपीट कर लीजिए बस, फिर गैस को लो होने दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिटरली लाइक 1-2 मिनट्स वेट करना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट्स वेट कर लेना आप लोग को, ठीक है, कि चाय मतलब ठीक से मतलब उसका पूरा उबल जाए, पूरा ठीक से उबलने का मेन होता है, ठीक है, उबलने का जो चीज रहता है वो एकदम मेन रहता है। ओके, चाय का एकदम कलर ही बदल गया है जब से मैंने तुम में डाला है, ठीक है। चलो अब हम वेट करते हैं, चाय को थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट। एवरीवन, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें 2 कप्स निकाल देने, एक मेरी मम्मा के लिए, एक मेरे लिए, तो पर मेरा और ये ब्राउन मॉम का, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, बहुत इजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए। ओके, देखो अगर आपकी चाय आधे से कम है आपकी चाय, तो आपको सिर्फ 1 शुगर फ्री डालनी है। अब मेरी मम्मा के आधे से कम मतलब आधे ज्यादा ही है, तो मैं 2 शुगर फ्री डालूंगा। ओके, 2 शुगर फ्री डाल दी बस, सफिशियंट है, 2 शुगर फ्री एकदम सफिशियंट है जो भी डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए। कैमरा दिखा दूँ, ठीक है। एंड शुगर की बात करते हैं, अब अगर आपको चाय बिल्कुल ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है मेरे जैसे, तो आप लोग ना पता है क्या करिए, एक ये फुल लीजिए, फुल एक और एकदम थोड़ा सा, एक बहुत थोड़ा सा, इतना बहुत थोड़ा सा और ले लीजिए बस, सिंपल यही करना है और कुछ भी नहीं, लिटरली मैं थोड़ा सा नीचे गिर गया, मैं थोड़ा सा और डालता हूँ बस, इजी, दैट्स इजी। एक और चीज, लास्ट एंड फाइनल स्टेप आ चुका है हमारा, फाइनली चाय बनाने का ट्यूटोरियल। ओके, अब फाइनल स्टेप में हमें छन्नी ले लेनी है, छन्नी लेट मी सी है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, एक छन्नी होती है। अब ये छन्नी का काम होता है, जो भी चाय में चाय पत्ती बाकी हो और जो मतलब इलायची होती है वो बाकी हो, ये उसको भारी रख देगी अपने इसमें। ओके, और बाकी सारी चाय अंदर चली जाएगी, दैट सिंपल। ओके, और 2 स्पून डाल लेंगे हम,
एक शुगर फ्री और एक नॉन शुगर फ्री। ये एक शुगर फ्री, ये मम्मा का है और ये नॉन शुगर फ्री। ओके एवरीवन, तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो शुगर की और ये है और ये मतलब ये शुगर वाली और ये शुगर फ्री वाली है, तो हमें करना क्या होता है कि मतलब जो शुगर फ्री है ना उससे उसको मतलब अलग मिक्स करना चाहिए, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो शुगर फ्री वाले में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से शुगर भी आ जाता है उसमें, तो वो अच्छा नहीं रहता। चलिए चाय डालते हैं। फाइनली चाय बन गई हमारी, ये मेरी चाय और ये मम्मा की चाय। ये चाय बन गई है, इसे चाय सर्व भी करने वाले मतलब हम, और वही सेम मेथड दोनों चाय को मिक्स कर लेते, एकदम इक्वल परफेक्ट बन गया। चाय जैसी मिक्स होगी फिर हम उनको प्रेस में डाल देंगे और फिर उन्हें सर्व कर देंगे। चलिए लेट्स गो ट्रे। चलो चलते हैं मम्मा को चाय सर्व करने। मम्मा मामा चाय। मजा आया, अच्छी है। देखा मैंने क्या बोला था, सबका मूड रिफ्रेश हो जाता है गाइस, किसी को भी ट्राई करवा दो सबका रिफ्रेश हो जाएगा मूड। तो चलिए आई थिंक सो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आरम्स विद कुकिंग। ओके चलिए बस आई थिंक सो, बाकी भी मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।